क्या बात है सूरज? अब बाबा साहब सब्र करो, सब पता चलेगा आपको। ये क्या है बेटा? बाबा साहब, ये वो जगह का प्लॉट है जहां पे आपके बेटे का होटल बनाने का सपना साकार होगा। जी जी, आपने प्लॉट ले ली क्या? एमिली, यहां यहां आसपास के एरिया में कोई भी अच्छा होटल ना है, तो मैंने सोचा कि अपने होटल के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। वो सब तो ठीक है, पर तांजी आपको नहीं लगता ये बहुत खाली खाली सा और एकदम जंगल टाइप लग रहा है? हाँ ताऊजी, बिल्कुल 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 सही कह रही है मिश्री, एकदम से खाली सा वीराना सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ मेरी नजरों में फंसा हुआ है। क्या आप लोग देखना चाहोगे? हाँ हाँ पापा। ये देखो, ये है मेन सड़क और इस सड़क के सामने ये है हमारे होटल का मेन गेट। अच्छा। और ये है बड़ी सी लॉबी और ये हैं दो बड़े बड़े गार्डन और इस गार्डन का हिस्सा यहाँ से निकल के सीधा रिसेप्शन पे आता है और ये है वेद का स्विमिंग पूल। और हाँ पापा, प्लेग्राउंड कहाँ होगा? ये है बाहर जहाँ पे बच्चे आउटडोर गेम्स खेलेंगे और हाँ? ये है इंडोर हॉल, तो यहाँ से लेंगे। ये देखो, ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड जहाँ पे आने वाले मेहमानों के बच्चे खेलेंगे हाँ? और उनकी पसंद का सारा सामान उनकी पसंद के हिसाब से यहाँ पे होगा। हाँ पापा, और वो चॉकलेट वाली मशीन भी लगाएंगे और गार्डन में ना तरह तरह के फ्लावर्स भी। ताऊ जी, ये सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ किचन कहाँ होगा? किचन? ये गोलू ने सबसे अच्छा सवाल किया। यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सबसे बड़ा किचन है। इतना बड़ा किचन? गया मेरा पेट। गोलू, गोलू तो हमारे होटल में सबसे बड़ा किचन का एरिया होगा, मतलब किचन सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी भी होटल की पहचान उसके खाने पीने से ही होती है। हाँ, करेक्ट। देखो जी, अब तो दिख रहा है ना हमारे छोरे का सपना पूरा होता हुआ, देखो। और यहाँ पे अब ऐसा यहाँ पे लगाऊंगा आपके लिए वो लंबी वाली कुर्सी जिसपे मेरे बाबा साहब आराम से ठाट से बैठेंगे और मसाले वाली चाय का, मतलब अदरक वाली चाय का ऑर्डर करेंगे। रे छोरा, फिर तो हो चुके हो, थारे बाबा साहब तो बैठे ही पसरे पड़े रहेंगे। संतोष, तो ये होगा ना हमारे सूरज का होटल। बैठे मैं वो आरामदायक कुर्सी पर ठाट से बैठूंगा और बड़ी शान से ऑर्डर दूंगा चाय का। रे, हमारे लिए चाय बनाओ रे, और वो मठरी भी तलो। तू भी आ जाना कभी कभार। सूरज भैया, मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब इतने बड़े बड़े क्लाइंट लोगों के साथ मीटिंग करनी होती है, बड़ी जगह चाहिए होती है, बड़ा होटल चाहिए होता है, तो मिल गया होटल। विक्रम, उसके लिए तुझे ये तारा छोटा भाई है ना, इसी से बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस होटल के मालिक होंगे, मतलब मैनेजर होंगे परी के पापा। मोहित, अरे भाई क्या बात है, बस मैनेजर बन गया, कंग्रेचुलेशन। वाह, आम के बीज बोए भी नहीं कि अमरस बांटने के सपने दिखाने लगे। बताओ, मेरे पास भी कुछ है सूरज जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए सूरज जी, होटल का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा। उस दिन आए थे ना, आए थे मम्मी। और
इस होटल का नाम भी मैंने सोच लिया है। क्या 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 पापा? इस होटल का नाम होगा वेदांश। वेदांश, वेदांश मतलब वेद और वंश। आज मेरे बेटे का अपने सपने की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम। बहुत बहुत बधाई छोरा तारे को। आज ना मुंह मीठा करने का मौका है जी। एक काम करो, मैं सबके लिए मीठा बना कर लिया हूँ। दादी, आपका मीठा तो खाना ही है, पर आज मेरी डिमांड फैमिली पैक आइसक्रीम की है। मिलेगी पापा? हाँ छोरा, जो भी मांगना है ना मांग ले, सब कुछ मिलेगा थारे को। वेद, बच्चा पार्टी, आज आपको मिलेगी आइसक्रीम पार्टी। मोहित, ये ले, तो भाग के जाओ और आइसक्रीम ले आ। ऐसे? ने सारी बचत, दुकान के पैसे, सब कुछ जमीन खरीदने में लगा दिए। जेब में आइसक्रीम तक खरीदने के पैसे नहीं है, बताओ। मुझे नहीं पता इसमें पैसे नहीं है। ये है पैसे, मोहित ये ले पैसे, जा भाग के जा। मिस्टर जी, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। क्यों? आप सब भी बोल रहे हो ना, आप लोग को आइसक्रीम नहीं खानी। लेकिन क्यों? वे ताऊजी ने तो खुद ही कहा ना कि सबको आइसक्रीम की पार्टी देंगी, तो तू क्यों मना कर रहा है? और पापा के पैसे होटल के प्लॉट खरीदने में खर्च हो गए ना, पापा के पास पैसे नहीं है। किसने कहा पापा की जेब खाली हो गई है? तेरे पापा की जेब तो सपनों से भरी पड़ी है। पर मम्मा, सपनों से तो आइसक्रीम तो नहीं खरीद सकते ना। हाँ तो आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाने के लिए तेरी मम्मा है ना, और वैसे भी तेरे पापा और मैं एक ही तो हैं। मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ आज, ठीक है? ले दाईसा, बढ़िया काम किया। ले मुंडो मीठो कर ले। पता है मारो सूरज होटल बनाने के वास्ते ना जमीन खरीद ली है। बात तो बढ़िया है संतोष, लेकिन है ना एक डर भी आ रहे है कालजा में। रे सपनों देखने की एक उम्र होवे है, और इस उम्र में यहाँ को सपनों देखनो और बावड़ा की तरह भी कब पीछे भागनो, अभी तो जिम्मेदारियां उठाने की उम्र है संतोष। दाई साहब, मारो मन तो कहे है ना कि जब तक इंसान की सांसें हो गए ना, तब तक इंसान ने सपना देखना चाहे और उसे पूरा करने की ना कोशिश करते रहनी चाहे। और फिर मारे सूरज ने तो हमेशा आगे होकर हर जिम्मेदारी निभाई है। मारो सर्वन कुमार है वो, और तू ही तो कहा करती थी ना कि बेटो हो तो सूरज जिसो। हाँ तो मैं कब मना करूँ, मैं तो आज भी यही कहूँ कि सूरज जिसो ही बेटा होना चाहिए। लेकिन होटल खोलने के लिए आपके यहाँ चालती दुकान ना ठिकाने लगा देनो या कठे की समझदारी है? मन ठीक कौन लागे संतोष, रे वेद को भविष्य भी तो सोचनो चाहे। दाईसा, तू बिल्कुल परेशान ना हो, रे वेद तो बहुत खुश है।
कि उसके पापा उसके खातिर ना इतना बड़ा फैसला लिया है। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमारे सरवन कुमार ने आगे बढ़ करके इतना बड़ा सपना देखा। तू तो मुंडो मिटो कर, चिंता छोड़। दादी! ए, 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 दादी! अरे ध्यान से! ये देखो मैं क्या लाया हूँ। रदी 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 ध्यान से लाया हूँ। संतोष, हाँ, सूरज ने अभी है ना पाई पाई करके पिसा जोड़ना चाहे, अया आइसक्रीम जैसी चीजा के ऊपर पिसा बर्बाद नहीं करना चाहे। दाई साहब, ये आइसक्रीम पापा ने नहीं मम्मी ने दिलवाई है। पापा के पास पैसे नहीं थे, मम्मी बोली पापा की जेब तो सपनों से भरी पड़ी है। बेद, जा कमरा में बैठ करके ना आइसक्रीम खा। जा बिस्री, जा गोलू तू भी जा। सूरज बेटा, अगर बुरो नहीं माने तो एक बात बोलू, या आइसक्रीम तेरे से खाई जाओगी? क्यों दाई साहब, सब लोग खा रहे हैं तो सूरज जी क्यों नहीं खा पाएंगे? वो क्या है ना, लुगाई की कमाई खाते हैं ना, बुरो को नहीं लाता। तो इसलिए तने बुरो कौन लागा गो, तने चुभे को कौन? दाई साहब, दाई साहब इसमें तभी कैसी बातें कर रही है? जानू हूँ बेटा, कड़वी लाग रही है ना बात, लेकिन साची बात को ओई तो दोष है कि हमारी कड़वी लाग है। अब हनुमान गली को सबसे कमाऊ पोत बेरोजगार होकर आपकी लुगाई की कमाई पर ऐश कर रहे है। और बात खाली आइसक्रीम की कोनी, काल ना बच्चा का कपड़ा लत्ता किताब कापी पढ़ाई लिखाई सब चीज का पीसा कर लिए के आपकी लुगाई के सामने हाथ फैलाओगे? काल तक जो छोरो पूरा घर को खर्च उठा रहे थे, आपका भाई बहना ना पाले हो, वो आज आपकी छोटी से छोटी जरूरत के लिए आपकी बिरनी का हाथ फैलाओगे? का तेल साबुन सबका खर्चा के संध्या भी नहीं करेगी? वाह, यह तो अच्छी बात है कि कमाओ खुद बेरोजगार होकर सपनों देख रहे हैं और घर की लिच भी विकी जरूरत पूरी कर रही है। अरे आ तो मैं हूँ जो खरी खरी बात सुना रही हूँ। जब से दुकान बिकी है ना, हनुमान गली का सब लोग दबी जुबान में बात कर रहे हैं। कौन कहता है कि घर की जिम्मेदारी आदमी को ही उठानी चाहिए? रीत है संध्या बीननी, हेरा लेते समय बीन एक वचन देवा है कि घर की सारी जिम्मेदारी वो उठाओगे, जो भी खर्चो हो सी घर में सुख सुविधा सब जुटानो भी को धर्म है। वैसे ताई से जो कह रही है वो कह तो सही रही है, ऐसा वचन हो भी तो, मगर मुझे भी याद है मीनाक्षी, पर दाई सा एक वचन तो दुल्हन भी देती है ना, कि वो पति की हर जिम्मेदारी हर सुख दुख में बराबर की भागीदार रहेगी, तभी तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना। 14 साल का वनवास श्री राम को हुआ था दाई सा, लेकिन पत्नी धर्म निभाते हुए सीता जी उनके साथ गई थी। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने पर पत्नी धर्म निभाते हुए माता गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब त्याग में पत्नी की पूरी हिस्सेदारी, पति के सपने में क्यों नहीं? पति की कमाई पर पत्नी खुशी खुशी घर चलाती है, तो पत्नी की कमाई को स्वाभिमान पर चोट क्यों समझा जाता है? तेरी बींदनी से तो बात में जीतना बहुत मुश्किल है, अब तू ही समझा, तू तो सब कुछ जाने है ना। अरे मैं तो अठे घर की हूँ इसलिए समझा रही हूँ, जो तानो आज तक खाना मिलता आया ना गांव से, अब थारा बेटा सूरज न मिलने वाला है।
भाई साहब, ये बकवास की जा रही है तू। माना मैंने कि मैंने घर की जिम्मेदारी निभाई है, पर ये सिर्फ ना इसलिए हो पायो है क्योंकि इन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। कई बार घबराई मैं, टूटी भी मैं, पर इन्होंने मारे को हौसला दिया, हिम्मत बंधाई, जद जाकर के घर चालियो है। तू क्या कह सके हाँ कि इनका योगदान कम है? बता मारे को। यही सबसे जरूरी बात है दाई साहब, कि जीवन में जो भी दुख सुख आए पति पत्नी उसका साथ मिलकर सामना करें। पति पत्नी तो दो पैरों की जोड़ी जैसे होते हैं, किसी भी यात्रा में कभी एक पैर आगे होता है तो कभी दूसरा पैर। ऐसे में कोई पैर ये घमंड नहीं कर सकता कि उसकी वजह से ये यात्रा चल रही है, और दोनों ही पैर अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदारी उठाते हैं। तेरे से तो बात ना मैं नारद मुनि भी कौन जीत सका, तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए संध्या बेनड़ी, कि जो आजकल का टाबर है ना, तो पहला जैसा को नहीं हुआ है कि जो भी सिखा दे, जो भी समझा दे, समझ जाएगा। रह बेलोग हर बात ध्यान से देख और सुना है। आज जो वेद सब कुछ देख रहे हैं कि भी की सारी जिम्मेदारी भी की माँ उठा रही है, सारो खर्चो माँ कर रही है, तो क्या बस सूरज ने इज्जत दे पावा को? और सूरज वो झेल सकेगा ये सब बात? नहीं। जब जोधपुर में 3 सालों तक मेरी पोस्टिंग हुई, तब सूरज जी ने मेरी और अपनी दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी दाई साहब। तब मेरे मन में तो ये ख्याल नहीं आया, तो सूरज जी के मन में कैसे ये ख्याल आ सकता है? माँ बाप में से अगर माँ बाप बन जाए और बाप माँ बनकर जिम्मेदारी उठाते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी राठी परिवार की तीनों बहू अपने पैरों पर तो खड़ी है। तेरा कहना से रीत रिवाज बदल कौन जावे संध्या बिंदी? समाज में वो ही होवे जो हो तो आ रहा है। बाप की जगह बाप और माँ की जगह माँ ही रहे, समझी? समाज की रीतें हमारी सहूलत के लिए बनी है दाईसा। अगर ऐसे में हम इनमें थोड़ा सा फेर बदल कर ले तो इसमें हर्जी क्या है? कौन उंगली उठाएगा, कौन रोकेगा? कोई नहीं। भाईसा, सूरज जी ने पति के रूप में मुझे बहुत कुछ दिया है, सपोर्ट, आपसी समझदारी, पूरा सहयोग, पूरा साथ। दाई सा, आज मेरी बारी है और मैं अपने पति का पूरा साथ दूंगी, भले ही चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी समझे। मुझे अपने पति के फैसले पर गर्व है। ठीक है, जब हर लोगों ने मेरी बात गलत लग रही है तो फिर मेरा टेके कहाँ? चालू संतोष। सूरज भैया भी बिना कुछ बोले ही चले गए। अब देखा जाए तो बुरा बिल्कुल ही मत मानना, लेकिन जो दाईचा कह के गई है सही तो कह के गई है। देख मीना, 14 साल के थे भैया तब हाथ में पहली बार कर्ची पकड़ी थी उन्होंने, तब से लेकर आज तक उनके हाथ उठे हैं तो सिर्फ देने के लिए, कभी पैसे, कभी मदद, तो कभी कोई भी खुशी, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने। आप भिंड जी बड़े ओल्ड फैशन हो, अब तो इस घर की परंपरा बदलने वाली है। जेठानी जी से अगर जेठ जी मांग ले, पीसे वीसे मांग ले, तो क्या फर्क है?
है ना जिठानी जी, सही कह रही हूँ ना? अरे मीनू चुप कर, एक पति के लिए अपनी पत्नी से मदद मांगना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं वो आदमी हारा हुआ होता है, उसकी मर्दानगी पे सवाल उठता है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।